जितने पतले पतले लड़के चले जाते हैं जिम में, उनको पूछो ना कि तुम्हें क्या आता है, कहते हमें तो 2-3 महीने बाद बुखार ही आता है, एक्सरसाइज तो करनी आती नहीं। अच्छा, पतले लोग काम के बड़े होते हैं। इनका फायदा तब होता है जब कार में ज्यादा लोग जाने हो ना, तो पीछे 3 की जगह 4 बैठ जाते हैं और 5वें गोद में बिठा लेते हैं। अच्छा, जो बैठा होता है ना वो वैसे ही शर्मिंदा से पूछते हैं, वेट तो नहीं लग रहा ज्यादा तो नहीं है? तो जिसकी गोद में बैठा कहता है, ज्यादा नहीं, तेरी हड्डी चुभ रही, इसमें कूलर डलवा। अच्छा, जिन लोगों की बॉडी थोड़ी अच्छी बन जाती है ना, वो मौका ढूंढते हैं बॉडी दिखाने का। अब देखना, कभी लोकल ट्रेन में जा रहे हैं ना, सीट खाली पड़ी हुई, जानबूझ के हैंडल पकड़ लेंगे, है ना? कई तो मोहल्ले में ऐसे लड़कियों को दिखाने, हाफ टी शर्ट पहन के ऐसे बच्चों को डाल, आवे तो भी आ। तो कई की बार उनपे और उल्टा पड़ता है। कई लड़कियां बड़ी शानी होती हैं या तो बहुत भोली होती हैं, वैसे बॉडी बिल्डर लड़के को इंप्रेस ही नहीं होती, दिमाग उस तरफ जाता नहीं है, वैसे बोलती भैया हमारा सिलेंडर ले आओगे। आपको चीट डे का तो पता होगा, जो लड़कियां जिम जाती हैं, जो लड़के जिम जाते हैं, हफ्ते में एक दिन चीट डे देते हैं, लड़कियां उसको चार्ट डे बना लेती हैं। वो क्या करती हैं, फिर गोलगप्पे खाती हैं, क्योंकि और तो किस दिन खा नहीं सकती। तो जो लड़कियां इतनी तीसरी मुंह खोल के बातें करती हैं, कैसी सिद्धू साहब, ऑल वेल, या आई वाज इन दिल्ली दैट टाइम व्हेन यू केम टू अमृतसर। अच्छा, ये जो लड़कियां इतना तरह मुंह खोल के बात करती ना, गोलगप्पा खा दे उतना मुंह खोलती हैं। मैं कहता हूँ 1 इंच और खोल देना तो पानी पूरी वाले को भी अंदर बिठा लें, ये इतना बड़ा मुंह खोलती है। कितने लड़के लड़कियों को यहाँ पे लगता है कि इंसान की फिटनेस जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो कौन है वो, पिछले माइक दे दीजिए। यस, क्या नाम है आपका? गिनी। गिनी? या। ये आजकल भैया गिनियों का ही जमाना है। नहीं, नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है। तो क्या क्या है आपका विचार? नेचर अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अगर वो फिट रहेगा तो शादी के बाद वो शायद, अगर हम मोटे हो जाए तो हमें छोड़ के वो किसी फिट लड़की को देखने लगेगा। स्वभाव अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, पर अगर अच्छे स्वभाव वाला आदमी अगर फिट भी है तो वो भी तो बहुत अच्छी चीज है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अच्छे स्वभाव वाले को ढूंढो, उसके बाद उसको फिट कर लो और उसके बाद खिला पिला के रखो। नहीं, अगर हमें नेचर चाहिए तो उसे फिट करने की क्या जरूरत है? वाह, सारी गिन्नी इतनी समझदार क्यों होती हैं? चलो, थैंक यू, थैंक यू। ए, इनको भी माइक दे दीजिए। कितने अदब से इंटरव्यू लिए तूने इसकी। हेलो कपिल सर, मेरा नाम स्लावी है। ओके, तो मेरा ये मानना है कि फिटनेस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी। बंदे का नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अपने लाइफ पार्टनर को अगर चूज करती हूँ तो मैं ये सोचूंगी कि मैं जो कहूँ वो सुने और वो करे। और वो मुझे तो हर लड़की चाहती है, वो हर बीवी चाहती है कि मैं जो कहीं वो हमारी सुनती कहाँ है आप। वो तो आदमी का स्वभाव ना भी अच्छा हो ना, उसको सुनना ही पड़ेगा, अंदर से भले ही चिढ़ा हुआ वो। इसके लिए तो हमें ऐसे लड़के चाहिए जिसका नेचर बहुत अच्छा हो और जो हमें चाहिए वो हमें दे सके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, लड़कियों का, पत्नियों का तो घर में चलता ही है कि मेरा ही चले। आपने भी तो अभी एक्सपीरियंस किया ही होगा। सही बात बोल गई वो। तो लड़का गोलू मोलू होगा तो भी चलेगा, लेकिन स्वभाव अच्छा होना चाहिए। स्वभाव अच्छा होना चाहिए। कपिल सर। हेलो सर, वैसे जो बस बढ़िया एकदम। आप क्या नाम है आपका? हितेश। हितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मुद्दे पे ही बात करना चाहते हैं। हाँ सर, जैसा मैडम ने कहा जी कि नेचर इम्पोर्टेंट है और बॉडी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब सब शो के लिए ही है, इसके बाहर जाके सब चेंज हो जाएगा। सर 4 साल से इंजीनियरिंग की है, ट्राई कर रहा हूँ, एक लड़की नहीं बटी। मुझे तो तू बड़ा जला हुआ आशिक लग रहा है। दिल की बात कह दी सब आपने। तो आपने वैसे प्रपोजल भेजा किसी को? हुआ है सर। तो फिर क्या बोली लड़की? कुछ हुआ नहीं आगे। आप क्या चाहते? जैसे सर मैडम को पूछिए ना, उनको चलेगा क्या गोलू मोलू? लावी,
आज अगर डिबेट हुई है, नेचर तो लड़के का बड़ा अच्छा है, हंसी मजाक कर रहा है, सारी ऑडियंस का मेला लूट लिया इसने। आप अगर कहें तो मेरी जेब में रिंग है, अगर आपकी इजाजत हो। मैंने इतना बोली बोली नहीं कहा। और जिस तरह से आपने मांग की थी है पूरा गोलू बोलू। मुझे इतना भी नहीं चाहिए। पिताजी भी है साथ में, बोलो आगे बात बढ़ा ले। नमस्कार, आप तो बहुत चालू हैं, बहुत फास्ट हैं आप, दो मिनट बात तो करने दो। हाँ जी जी, इसलिए भी कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन वो मुझे अभी सूट नहीं लग रहा, इतना भी गोलम मोलू नहीं कहा था मैंने। सर शो के बाहर कहा था, शो के अंदर ही चेंज हो गया। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमारे एक अंकल थे सर, तो शायरी वायरी करते थे वो, तो उनके घर पे शाम को महफिल जमती थी, दारू वारू पीते थे। तो एक बेवकूफी का क्वेश्चन किसी ने पूछा कि आप कितनी पीते हैं। किसी ने कहा मैं 3 पैक पीता हूँ, किसी ने कहा मैं 11 बजे तक पीता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। 11 बजे तक पीता? हाँ 11 बजे तक छोड़ता हूँ। किसी ने कहा कि मैं इतना पीता हूँ, तो उनसे पूछा, अंकल से पूछा कि आप कितनी पीते हैं। अरे यार बेकार की बहस है यार, कितनी पीते हैं, मूठ के ऊपर होता है, कभी पी ली कभी नहीं पी, और मैं तो बहुत ही इंडिफरेंट ड्रिंक करूँ, फिर भी बताओ तो सही कितनी पीते हो। क्या मतलब है ये, थोड़े से इरिटेट हो। अरे बताइए तो सही कितनी पीते हैं। वो तो पीने वाले को तो लूप लग जाता है जी। अपनी नौकरानी को बुलाया, नसीबन आओ। आई वो, क्या है साहब, वापस जाओ। कहा कि आपने मेरी बुआ को देखा? कहने के हाँ। कैसी लगी आपको? कहने बेचारी मामूली शक्ल की है। कहने जब ये खूबसूरत लगने लगती मैं बंद कर देता हूँ। और मैं वो जानी वगर वहाँ गाड़ी खड़ी होती है उसके ऊपर सिग्नल के ऊपर आके जी, तो भीड़ भाड़ लग जाती है, तो वो अपना फैन जो है पास बहुत आते हैं, अच्छा बहुत करीब आ जाते हैं, तो जानी वगर के पास इतना आ गए वो। अच्छा जी। जानी वगर, तो उसने कहा कि सूंघ के पहचाना। थैंक यू सो मच सर, बड़े मजेदार किस्से सुनाए। तो अब समझ में आ रहा कि अच्छा ये सब चीजें कहाँ से हैं। सलीम सर, आपकी किस्सा सुनाने की टाइमिंग इतनी खतरनाक है। एक बार सोहेल भाई ने कोई किस्सा सुनाया था, सोहेल भाई आपको याद है, आपने कोई हेलो ब्रदर का किस्सा सुनाया था कि जब आपने हेलो ब्रदर बनाई फिर पापा को दिखाई तो कुछ बड़ी मजेदार बातें कही थी सलीम सर। उसमें इंटरचेंजेबल होना थे जी, अरबाज का रोल जो था जी, उसमें इंटरवल के पहले या इंटरवल में सलमान की डेथ हो जाती है जी, वो अरबाज को वो रोल मिलना चाहिए था, तो जैसे ही सलमान की तो ऑडियंस उठ के चली गई, बिकॉज वो एक लेसर जो एक्टर होता है ना, वो हमेशा जब डेथ होती है तो उसमें वो जाता है। अरबाज खान का शायद उनको इतना अफसोस नहीं होता। शो पर आज आपसे मुलाकात हुई पहली बार, लेकिन बड़े सारे किस्से सलमान भाई, सोहेल भाई, अरबाज भाई सुनाते रहते हैं, कहते हैं कि तीनों अपने अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट सलमान भाई ने कहा था कि हम आज भी तीनों भाई जो हैं वो जो भी पैसा कमाते हैं अपने पापा के हाथ में रखते हैं, और वही आगे वापस भी ले जाते हैं। तो सलमान भाई ने कहा था कि पापा तीनों को पॉकेट मनी देते हैं, तो ये सही बात है सलीम सर? पॉकेट नहीं, मैं लेता हूँ पॉकेट मनी। अच्छा, ये छीन के लेके जाते। परिवार में ऐसे लोग हो तो कितना एंटरटेनमेंट होता होगा ना आपस में एक दूसरे का। सिद्धू भाजी, एक एक्टर और एक पॉलिटिशियन, ये दो ऐसे प्रोफेशन है जिनमें कभी रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती कोई, शायद आप जब तक आपका मन चाहे कर सकते हैं। लोग कहते हैं, हाँ जी, लोग कहते हैं कि एक अभिनेता जो है जी वो लोगों को 3 घंटे बेवकूफ बनाता है, और एक जो नेता जो है जी वो सारी उम्र बेवकूफ बनाता है। अरे सच्चाई तो है आप में। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बाजी कि आप खुद पॉलिटिशियन, लेकिन ये आप बात बोलते हो। मैं ये नहीं, मैंने देख बात खत्म नहीं की, मैं वही बोल। अच्छा मैं स्पोर्ट्समैन हूं,
बैठ जा नीचे. निकल गया ना पतली गली से. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.